परमपिता परमात्मा शिव अवतरित भूमि मधुबन आते हैं भगवान भारत में, तो जैसे ये जब क्लास करके जाते हैं ना, फिर इनको बाबा के द्वारा नाश्ता मिलता है जिसको हम डाइनिंग हॉल बोलते हैं। और हमारे ये शांति भवन का सबसे बड़ा बिग डाइनिंग हॉल है, तो यहाँ पर आत्माएं अमृत वेले से उठती हैं। अमृत वेले से यानी 4 बजे से लेकर 4:45 बजे तक बाबा का जो टाइम है ना, और उससे ही पहले 3 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 4 बजे इससे पहले ही है ना। तो जब बाबा का अमृत वेले करते हैं ना, फिर उसके बाद आता है टाइम मुरली का। तो इस समय जितने भी भाई बहन हैं ना, ये बाबा के सम्मुख बैठ कर मुरली सुनकर आ रहे हैं। अभी यहाँ आत्माएं अपना नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर इनकी क्लास है। फिर वो जिसको हम एक तरीके से भट्टी भी बोलते हैं, जो क्लासें हम करते हैं ना, बड़ी बड़ी दीदी दादियाँ जो क्लासें कराती हैं हमारे को, इतना रिफाइन ज्ञान है इन दीदी दादियों के अंदर, अथा ज्ञान। और ज्ञान भी किसका? सागर बाबा का, परमपिता परमात्मा शिव बाबा है ना, उनका जो ज्ञान है ना, आसे आत्मा, आसे आम नहीं, अब आसे आत्मा। आत्मा का परिचय ना हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा पता चला, नहीं पहले हम नहीं जानते थे आत्मा क्या है, शरीर क्या है। तो जैसे आदमी सुबह से शाम तक काम करता है ना, तो शाम को थोड़ा भोजन भी खाता है ना, तो ऐसा ही अब नाश्ता करेंगे, इसके बाद फिर क्लास है, फिर आराम, फिर शाम को फिर क्लास है, और शाम को फ्री योग। तो आप लोग भी जुड़िए इसी परिवार से, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर देवी देवता बनने की एजुकेशन दी जा रही है। और आज से नहीं, 87 ईयर्स से, 87 ईयर्स खत्म हो चुके हैं, अब 88 शिवरात्रि बाबा का झंडा फिर लहराया जाएगा हर साल की तरह। गली गलियों से प्रभात फेरी निकलेंगी, कोई झंडा लेके, कोई बाबा का, बहुत सारी जैसे बोट हैं लिखे हुए, बहुत सारी चीज़ें ना। तो जैसे हम बल्लभगढ़ फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, दिल्ली जोन के अंदर मैं आता हूँ, तो अब सेवा बेहद पे चलेंगे। यहाँ से जाने के बाद हम जैसे कहते हैं ना, रिचार्ज होने के बाद जाएंगे, साल भर बाबा की सेवाएँ करेंगे, और अपना जो लौकिक में काम वगैरह करते हैं, घर परिवार चलाते हैं, वो भी करेंगे। फिर साल में हम एक बार बाबा से मिलन मनाने आते हैं ना। इतने भरपूर होके जाती है आत्मा, इतना भरपूर होके जाती है कि वो जो रूहानी कमाई है ना, एक साल तक चलती है। अगर आपके पास अच्छा आना जाना है, तो आप साल में 2 बार भी आ सकते हो, मगर हाँ, साल में एक बार तो आना चाहिए। ये मधुबन इतनी पावन भूमि है, इस भूमि पर जब हम आते हैं ना, और यहाँ का जो ब्रह्मा भोजन खाने को हमें मिलता है, आत्मा ऐसे तृप्त हो जाती है जैसे कि आत्मा के अंदर कभी विकार थे नहीं भारी दुनिया के। भाइयों बहनों, आप भी अपना भाग्य बनाइए, तनाव मुक्त जीवन रहिए, ब्रह्मा कुमारी इससे जुड़े। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।